आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति के परिचय है। आप चूँकि मरहलेवार चुनाव चल रहे हैं, हमारे औरंगाबाद शहर में भी 13 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और उस तारीख में और भी जहाँ चुनाव कई होने वाले होंगे, मरहलेवार वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। इस दौरान जब से लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया यानी कि सरगर्मियों का आगाज़ हुआ तो आज तक पूरे अगर हम प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम दानिश्वर के अखबार हम बयानात पर रोशनी डालें, उनको उनके आर्टिकल्स को पढ़े, उनकी अपीलों को अगर हम समझे सुने तो मजमूई तौर से एक बात निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए। और जहाँ पर अगर वाकई आप इतनी मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी से कुदरत ताकत रखते हैं कि दिगर समाज को मिलकर अगर कोई मुस्लिम नुमाइंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ सकता है तो वहाँ पर आपको उस सदा की भी कोशिश करना चाहिए, जैसा आज हमें औरंगाबाद शहर में दिख रहा है कि दो उम्मीदवार मैदान में है। अगर मुस्लिम की बात करें तो यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं और इसलिए एक आवाज़ फितरी तौर से उठ रही है कि दो उम्मीदवार मैदान में हैं, एक खासदार इंद्रजीत साहब मैदान में हैं और मस्जिद बहुजन अघाड़ी के अफसर खान साहब मैदान में हैं, जो कि एक दोनों भी अपने अपने एतबार से एक असर रसूख रखते हैं, ताकतवर उम्मीदवार मैदान में हैं, ये एक साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के वास्ते अगर औरंगाबाद को छोड़ दूँ या एकदम दो चार जिलों को हम छोड़ दें जो मुस्लिम मोहम्मद इलाके माने जाते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं, जो एक तरह के वोटिंग पे असरअंदाज होते हैं, उसको अगर दो तीन इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो ये आवाज़ उठ रही है कि पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया गया। और बड़ी हैरत की बात है कि जो हमारा दलित समाज, हमारे बुद्धिस्ट समाज भाई आदिवासी है, पिछड़ी जाति के है, इनको संविधान के अंदर एक आरक्षण दिया हुआ गया है। यानी कि कितनी हैरत की बात है, देखिए पूरे हिंदुस्तान में कि इनके लिए मतलब रिजर्व जगह रखी गई है, चाहे वो राष्ट्रवादी से हो, कांग्रेस से हो, शिवसेना से हो, भाजपा से हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो, आप उस आपके आरक्षित जगह से चुनके जाते हैं। और कमोबेश मैं समझता हूँ शायद 121 का 130 के आसपास जो बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ी जाति समाज के लोग हैं, उनके नुमाइंदे के चुनके जाते हैं। और मुझसे समाज बेचारे ओबीसी में एक मतलब मेहरबानी से चले गए और नहीं गए तो नहीं गए। जब तक माहौल ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा, तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में पार्लियामेंट में मुस्लिम समाज के नुमाइंदे के दिखाई दिए, विधानसभाओं में भी दिखाई दिए, लेकिन आज की राजनीति बहुत बदल रही है। खैर मैं असली मतलब टॉपिक पर आ जाता हूँ कि वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि कुल मिला के बात निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े दिग्गज हम समझते हैं, जो जिम्मेदारान हैं मुस्लिम संगठनों के, अलग अलग उनके नाम हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, ये खामोश तरीके से उनके आर्टिकल्स भी शाये हो रहे हैं, 8-8 कालम के आर्टिकल्स शाये हो रहे हैं और वो पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि अब की बार अगर फ़िरका परस्त की ताकतें अगर बरसर इकतदार में आ जाएंगी तो पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे और संविधान बदल जाएगा, देश खतरे में आ जाएगा, पता नहीं कैसी कैसी बातें चल रही हैं। तो जो लोग पूरे महाराष्ट्र में एक आवाज़ होकर ये आवाज़ लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि भाई मुसलमान महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए, ठीक है आपकी जो दूरंदेशी है, जो समझबूझ है वो अपनी जगह दुरुस्त है, आपके खदशात, आपके ख्यालात, आपके एहसास वो भी अपनी जगह बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है, जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं, तड़जोड़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से मुसलमानों के जो तमाम ज़िम्मेदार हैं, जो सियासी तौर पर बोलिए या गैर सियासी तौर पर बोलिए, जो बाहर रहकर कहने के खामोश तरीके से सरगर्म में अमल है कि भाई इंडिया अलायंस को लाना चाहिए, इसको इनको उम्मीदवारों को ताकत देने का काम करना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र में ये नज़ारा क्यों देखने को नहीं मिल रहा है कि तमाम जो हमारे जो इस्लामी जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, सामाजिक संगठनों के ज़िम्मेदारान हैं या जो भी है दिगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, ये आप मुश्तरक तौर पर जैसा
अगर मैं औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ तो औरंगाबाद हमारे पास मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों का विफाक है, तमाम जिम्मेदार से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़िम्मेदारी से काम करते हैं और लोग इन पर बड़ा एतमाद भी करते हैं। इसी तरह से और भी हमारे पास तंजीम ज़िम्मेदारान हैं, इनके ऊपर भी मुसलमान लाखों मुसलमान आप पे एक तरह के भरोसा करते हैं, आपका बड़ा एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप ये रो रहे हैं कि हमको सीट नहीं मिली है, तो कम से कम प्रेशर तो बनाइए। ठीक है आप तीर कमान से निकल चुका, आप कुछ नहीं कर सकते, उम्मीदवार बदली नहीं हो सकता, बहुत से मसले मसाइल है, किंतु परंतु है। और कहने के एक सियासत का जो महवर जो चल रहा है वो उसकी भी हिसासियत को, उसकी भी नज़ाकत को हमको समझना पड़ेगा, और लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन कम से कम 4-6 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके 2-4 महीने के बाद कॉरपोरेशन बल्दिया के इंतखाब होने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, फिर हम सब देखते हैं कि भाई MLC कोठे के इलेक्शन उपचुनाव होते हैं। तो भाई आपको ये जो है तो बात करना पड़ेगी, जो मतलब शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शरद पवार साहब है, राहुल गांधी है। अभी आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि नसीम खान साहब जो मुंबई के हैं उन्होंने राहुल गांधी से पुणे में मुलाकात की, ये पेपर के अंदर आया हुआ है, और उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया, मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया, जिसके लिए महाराष्ट्र का मुसलमान बेहद जो है तो नाराज़ है, और ये 15-20% आबादी रखता है महाराष्ट्र में, इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज किया गया। तो राहुल गांधी जी ने जो है तो उसको बहुत सीरियस लिया, बहुत संजीदगी से लिया, इन्होंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है विचार करेंगी। लेकिन आप क्या विचार करेंगे, आप क्या अचानक कोई रातों रात कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो खड़ा हुआ कैंडिडेट है कि उसकी जगह जो है तो नसीम खान को टिकट देंगे, कि अब्दुल्ला खान को टिकट देंगे, कि कोई अब्दुल रहमान साहब को टिकट देंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? कुछ भी नहीं, तीर कमान से निकल चुका। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो मेरे तमाम लोगों से जो मैं तमाम जिम्मेदार गुजारिश है कि देखिए मेरी कोई अपनी राय नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि मामूली सा सोशल मीडिया चलाने वाला है हमें सिखाने की बात कर रहा है या हमें मशवरे दे रहा है या हमसे ज़्यादा होशियार है, आप ये मत समझिएगा। हम पूरे शहर में घूमते हैं, लोगों के मन को टटोलते हैं, कई बार तो ऐसा लोग हमसे पूछते हैं, हमारे सामने पता नहीं ऐसी ऐसी भाषा में बात कर देते हैं कि पता नहीं, और बड़े समझ रहे हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं या हमारा मुकाम है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या कह रही है, अगर आप ये अगर हम उनको बता दें ना, कि भाई हाईलाइट करें ना, तो आपके समझ में आ जाएंगे कि वाकई किसका क्या मुकाम है। मगर हम इसलिए नहीं बताते हैं कि हमारी कोशिश भी रहती है कि माहौल ख़राब ना हो, हमारी कोशिश भी रहती है कि भाई बाहमी भाईचारे का माहौल जो है तो कायम रहे, हमारी कोशिश रहती है कि आपस में नफरतों का अंबार ना लगे, ये हमारी कोशिश होती है। हमें आप हल्के में ना लें, मैं तमाम जिम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से कुछ कर रहा हूँ कि देखिए भाई, हमें हल्के में ना लें कि चलो भाई एक यूट्यूबर है बोल रहा है, समझ रहे बात को आप, यूँ समझ लीजिए कि हमारी हैसियत, मैं आपको बहुत खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, एक जो आँख में तिनका जाता है, जिसे हम आमतौर से तिनका कचरे का तिनका कहते हैं, और एक मूँगी की हैसियत रखते हैं हम। मैं अपने हद तक मिसाल दे रहा हूँ, एक तिनका और एक मूँगी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब वो तिनका आँख में जाता है तो पूरा शरीर मुतासर होता है, और आप हट्टे कट्टे अगर एक कुंटल की भी तो जगह बढ़ जाते हैं, अगर शिद्दत से अगर आपकी आँख में कचरा चला गया तो आप या तो आप गिर भी जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा वाकयात को, गाड़ी चलाते चलाते आँख में कचरा चलेगा भिड़ गए, कोई कोई तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ऐसा भी आप वाकयात पर देखा होगा आपने। और मूँगी की ताकत क्या है, एक हाथी चलता है, हाथी बोले तो हाथी रहता, लेकिन अगर हाथी के कान में घुस जाए तो फिर हाथी का हाल क्या होता। तो कहने का मतलब क्या, मैं बड़े साफ अल्फाज में कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो समाज सेवक है या इस तरह के जो माहौल को लेकर चढ़े हैं, तो आपको इनकी बात को भी बड़ी प्राथमिकता अव्वलियत देना पड़ेगी, और इसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये बात जो है तो सोशल मीडिया से आ रही है, तो मेरी अपनी अकेले की जाती राय नहीं है, या मैं बहुत बाशऊर हूँ या अकलमंद हूँ, ऐसी बात नहीं है, हज़ारों लाखों की बात है, कई कमेंट्स आते हैं, हज़ारों कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स जो आते हैं ना वो भी अपनी राय रखते हैं, अगर बेहुदा गाली की अगर जो कलमात होते हैं कमेंट्स से अगर उसको छोड़ दिया जाए, अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं, अगर 90 कमेंट्स अगर मियारी आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये निकलता है कि आवाम की दिल की मंशा है, ये उनकी राय है, ये उनका ख्याल है, ये उनका पैगाम है, इसको समझना पड़ेगा हमको। हम ये नहीं कर सकते चलो चल रहा है अंधी भरी चल रही है, ये अंधी भरी चल रही, बल्कि 75 सालों में ये हाल को पहुँच गए कि मुसलमान भीख को लग गए,
और सरकारी नौकरियों में 2% से नीचे आ गए, ये वही नतीजा था। चालन दो कहाँ अपने कौम आके बोल रही, कहाँ खटके मार रही, कहाँ दरवाजा तोड़ रही। लेकिन अब हालात बदल गए, बजन हो गए। अगर हमारे बड़ों ने अगर अभी भी अगर होश के नाखून नहीं लिया तो कल को ये कौम का भरोसा आप पे उड़ जाएगा। एक तरह का जो होता अफरा तफरी का आलम फट जा जो होता है ना, अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। वो अल्लाह ही बचाए, फिर वो अल्लाह ही रहम करेगा, मामला फिर आगे क्या सूरत अख्तियार की जाती है। तो ये आपको बहुत बारीकी से लेना पड़ेगा और दो टोक में बात करना पड़ेगा कि राहुल गांधी साहब, शरद पवार साहब, उदय ठाकरे साहब, ठीक है अगर आपने अपने पार्टी कोटे से अगर एक टिकट नहीं दिया है, लेकिन हमें आप पाया खून दीजिए, हमें आप ठोस वादा कीजिए कि विधानसभा के अंदर जब आमदार के इलेक्शन महाराष्ट्र में चलेंगे, 228 से हमारे आमदार रहेंगे, उसमें परसेंटेज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से या कुछ ज़िले की आबादी के हिसाब से हम बिल्कुल मुसलमानों को टिकट देंगे, उसको जिता लेने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये नुकसान की भरपाई हम जो तो विधानसभा में कर देंगे। और कॉरपोरेशन के अंदर भी हम अच्छे खासे जो तो नए जो युवा है, नौजवान है या कई नई नस्ल के जो सियासत में आ रहे उनको मौका फराहम करेंगे। ग्राम पंचायत में भी आपको मौका देंगे। MLC कोटे से भी आपको एक दो हम जो तो अंदर लेने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे शहर के बीच में रहते हों, ऐसे लोगों को देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो कि भाई हमारे क्या बोलते हैं, हमारे शायर साहब गए हुए थे राज्यसभा में। अरे भाई अगर मराठवाड़े में अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनका कोई कार्यालय होना चाहिए, कोई दफ्तर होना चाहिए, लोग उन लोगों से उनसे मिलना चाहिए, हफ्ते में एक दिन दो दिन का टाइम होना चाहिए। भाई नुमाइंदे का मतलब होता क्या है कि बस ये खुशनुमा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एक का नाम अब्दुल है, एक का नाम फारूक है, एक का नाम शेख साहब है, बस नाम पे चढ़ रहे हैं। मालूम पड़ा कि वो बेचारे मुसलमानों को दिखते नहीं है, तो फिर ऐसे मुस्लिम इंडस्ट्री हमको नहीं पुरता, फिर होना ही नहीं, डबल खुल जाता ना फिर कि वहाँ बैठे हुए हैं और हमारा सत्यानाश हो रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सनातन साहब हम तुम्हारे चैनल पे कहना चाहते और अंड के सण बोल रहे थे, ये जुमला मैं कल इतने गलत बोला, अब समझ जाओ उसका मतलब। माना नहीं भैया, एक तरीका है, हमारे पास लोकशाही है, जमहूरियत है, हमको मेरे अंदाज से बोलना पड़ेगा, अच्छे अंदाज से बोलना पड़ेगा। हमारे बड़े हैं, ठीक है वक्त के हिसाब से उनकी सोच रहती, दानिशमंदी रहती, लेकिन सबका कहना ये है कि ठोक बजा के बात करो, ये गलती की भरपाई आपको विधानसभा में करना पड़ेगी। और खाली टिकट दे के वो नहीं करना पड़ेगा कि टिकट ले लो और बस बोलते ना गार्डन का टिकट ले लो घूम के आ जाओ, नहीं आपको चुना के देना पड़ेगा, पूरी ताकत लगाना पड़ेगी। जैसे आज आप ताकत लगा रहे हैं तो माना जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं आप माइनॉरिटीज़ के वास्ते आपके दिल में वाकई ईमानदाराना जगह है, उनके दर्द का, उनके तकलीफ का आपको एहसास है। बड़ी हैरत की बात है, एक ऐसा समाज विशिष्ट जाति जिसे हम कह सकते हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, नौकरियों में आरक्षण, एजुकेशन में आरक्षण, यहाँ तक कि मुख्तलिफ सैकड़ों योजना आती उसमें आरक्षण, आमदारगी में आरक्षण, खासदारगी में आरक्षण, ग्राम पंचायत में आरक्षण, यानी आरक्षण पे आरक्षण, आरक्षण पे आरक्षण, वो डेवलप हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। हमको कोई बदगुमानी नहीं है, और आगे बढ़ो आप, हम कुछ चाहते हैं आप और आगे बढ़ो आप, लेकिन मुसलमान की हालत तो ऐसी होगी जैसा दो तीन कहावतें बोलूँगा मैं, गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और दूसरी मिसाल ये कहूँगा कि एक मरीज है बिस्तर पर लेटा हुआ, उसको सिलेंडर लगे हुए हैं, अरे खट्टा खट्टा आदमी आगे बढ़ा, अरे भाई जरा बाहर चलते का मदद के वास्ते, और वो जबकि सिलेंडर लगा हुआ है इसको, समझ रहे आप, ये मैं एक रफ एंड टफ वाली मिसाल दे रहा हूँ। सिलेंडर लगा हुआ है, पलंग पे आप पड़े हुए हैं और आपको कोई आगे बढ़ा, भाई एक बाहर कोई हालात जिम्मेदार बेचारे परेशान लोग उनकी मदद चलते क्या जब कुछ सिलेंडर लगा हुआ है, और कौन आगे बढ़ा, हट्टा कट्टा आदमी बढ़ा, ऐसे हमारा हाल। और जो ताकतवर है तो वो हमसे मदद मांग रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे यहाँ तो मुसलमानों का शुरू से लेकर आज तक अगर पूरे जाविये से ईमानदारी से अगर जायजा लिए, खतरे का बोलते ना खतरे, वो दरिया भयता 10 पड़ रहेगा, वो तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है, नवाजिश है कि वो ईमान की ताकत है कि मुसलमान भूख में, प्यास में, चटनी में, मिर्ची में, बेसन में खा के जो है तो अपने आप को संभाला हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, ये उसका करम है स्पेशल। तो आप तमाम जो जिम्मेदारान हैं, मैं आपको बड़े अदब एहतराम से, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हम आपके सामने छोटे, आप हमारे बड़े हैं, अगर आप उलमा हैं तो आपका मर्तबा बड़ा अजीम है, बड़ा बुलंद बाला है, आप अंबिया के वारिस हैं, आपकी दुआ, आपका असर, आपका पैगाम, आपकी मशवरा, आपकी राय, आपकी आवाज़ बड़े असरदार होती हैं और बड़ी मायने खेज रहती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरे मुत्तहिद होकर, क्योंकि ये कौम मिल्लत का मसला ही है, ये वैसा मसला नहीं है कि जान दो भाई औरंगाबाद वाले देख लेंगे, जालने वाले क्या जालने वाले देख लेंगे,
नांदेड़ वाले नांदेड़ वालों को देख लेंगे, ये वो मसला नहीं है। हर जिले के जिम्मेदार जो तासर रसूख रखते, समाजी लिहाज से हो, सियासी एतबार से हो, मजहबी एतबार से हो, तमाम महाराष्ट्र के ज़िले के जिम्मेदार, कोई एक मुत्तफ़ा तौर पर एक अरेंजमेंट करो। आप 10-10 का मुत्तफ़ा कराओ, से 10-10 हर ज़िले से 10-10 का एक वो करके पैनल बना के तमाम जिम्मेदारों से, खास करके उद्धव ठाकरे साहब से, शरद पवार साहब से, राहुल गांधी से मुलाकात कीजिए। मुंबई का वक्त दो मल्ला साहब, हमको हल्के मत लो आप कि कहाँ जाने वाले। अगर नहीं जम रहा, एड़े चाले कर रहे, तो खुला बोलो। हमारे पास शिंदे सरकार भी है, फिर हमारे पास शिंदे सरकार भी है, बीजेपी सरकार भी है। जब तुम्हारे रहते भी वही हालात है और नहीं रहते वही हालात है, तो फिर हमको ला मोहल्ला मजबूर होकर, बेबस क्यों ना होकर हम उनसे बात करेंगे और हमारे जो मसले मसाइल, हमारे कुछ शरायत है, अच्छे अंदाज से पेश करेंगे और उनसे भी हाथ मिलाने कम नहीं करेंगे। अगर आप आपकी बार हमको अगर हल्के में लेंगे कि 75 साल में जो हो गया हो गया, अब आप हमको हल्के में मत लो। हमको जिम्मेदारी से, अगर आप चुनके आते हैं, आपकी जो भी सरकार बनती है तो माइनॉरिटीज के नाम पर स्कीम आती हैं, तो वहाँ तक पहुँचरी के नहीं पहुँचरी, इसका भी आपको प्रबंध करना पड़ेगा और हमारे जिम्मेदारों को इस पर गहरी नज़र रखना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन आ गए, अपीलें कर दिए, धुएंधार भाषण कर दिए, क्या कुछ अजीब गरीब बात कर दिए, तो चलो भाई इस्लाम खतरे में है कि मुसलमान खतरे में, पतन क्या खतरे में, बेचारे भोले वाले समझ में नहीं आ रहा और वो काम हो जा रहा, नहीं, बल्कि डंके के चोटे मलना पड़ेगा। हमने आपको जिताया है, हमने आपको कुर्सी बिठाया है, और ये हमारे मसाइल है और करा के लेना पड़ेगा, और ये पेपर में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए। इल्ला माशाल्लाह बोल के नहीं, अपनी हैसियत है, अपनी रुतबा है, वो ताकत का मुजाहरा, नहीं तो हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। ये आपको बहुत कड़ू अल्फाज है, शायद आपको हजम नहीं, लेके बोलना पड़ेगा साहब, नहीं तो वो तो ये सोच रहे ना, अरे कहाँ जाते, अरे हम यहाँ जाते ना, नौज बिल्ला वो खुदा है क्या कि जान उनके हाथ में, रिस्क उनके हाथ में है। अरे हो सकता है अल्लाह उनसे भी काम ले ले, आप ये बदगुमान में मत रहिएगा। ये डोट टोक बोलने की जरूरत है, जो महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ हुआ, जो बेहोदा एकदम गंदा एकदम सियासी मजाक हुआ, इसका मुंह तोड़ जवाब हम ये वक्त से पहले इन्हीं हालात में मीटिंग लेने की जरूरत है। दादा साहब, आने वाले वक्तों में हम विधानसभा के अंदर पूरे मुत्तहिद होकर बीजेपी के साथ जाने काम नहीं करेंगे, ये सोच लीजिए आप, होश की नाखून लीजिए बोलना। आप ये मत सोचिए कि एक हम पत्ता फेंक देंगे, मीठे मीठे कर देंगे, मौलाना लोगों को पानी पिला देंगे, खजूर खिला देंगे, बिरयानी खिला देंगे, अच्छे ठहरने का इंतजाम कर देंगे, इनको जो है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से इनकी वाह वाह कर लेंगे, ये खुश होकर चल लेंगे, नहीं। हमें इंसाफ चाहिए, हर वो गली का मजलूम मुसलमान जो संविधान ने इसको अधिकार दिया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट के अधी जो कानून कवानीन के हिसाब से हक बनता है, हमारा जो हक बनता है हमें वही चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मुसलमानों की अपनी राय है, तब चिल्लाने से ये मत बोलो आप, अरे ये और फिर बाद में अपीलें कर रहे हैं कि भाई मजबूरी है, ठीक है उनको बोलिए डोट टॉक, हम आपको ठीक इतने पर भी हम बर्दाश्त करके आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर अगर आपने वक्त से पहले हमारी डिमांडों को, हमारी शरायत को नहीं माना, तो हम बिल्कुल बीजेपी से बात करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी हमको जवाब देना पड़ेगा, ये पहल करना पड़ेगी, नहीं तो 50 साल में ये छोटे आया, ये कहाँ जाएंगे और इसी बेबसी में हम मरते रहे। वैसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे उनसे हाथ मिला के। अगर तुम्हारी वजह से 5 साल में हम वहाँ इतना बुरा हुआ, तो हम उनसे हाथ मिला के तुमको भी सियासी दफन कर देंगे। बोलना हम सियासी मौत, जब हम मर रहे हैं तो हम अकेले नहीं मरेंगे, हम तुमको भी लेके मर जाएंगे। ये बड़ी अजीब गरीब बात थी, शायद बहुत से लोग पसंदेंगे, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए, जरा एहसास कीजिए, कहाँ जाए हम, किससे मांगे, अधिकारी मांग रहे हैं ना, इंसाफी मांग रहे हैं ना, और संविधान के अंदर रह के मांग रहे हैं, हटके तो नहीं मांग रहे हैं, आपको बड़ा बना रहे हैं, आप चौहान हैं, यादव हैं, पता नहीं कौन कौन है, क्या क्या है, हम आपको नेता मान रहे हैं, अपना सरबरा मान रहे हैं, तो कि आपके पैर पड़ना आप, नौज बिल्ला माजल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम बड़े जिम्मेदार महाराष्ट्र के, ये बहुत सी संगी सुनहरी मौका है, प्रेशर बनाइए, ऐसा ना हो कि किसी एक दो मुसलमान के लीडर ने बोल दिया सब उसके पीछे चले जा रहे, नहीं, वह जिले के हिसाब से अपनी नुमाइंदगी करो, नहीं तो मुल्ला साहब हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। डंके की चोट पे बोलो उनको, ये मत बोलो कहाँ जाने वाले, उनको बोलो कि हम यहाँ, ये रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है, खबरदार अगर आपकी बात सियासी मजाक हुआ, तुम्हारे साथ वो मजाक करेंगे कि तुम सियासी कभी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे सियासी एतबार से। याद रखिए ये पैगाम है, ये वक्त और हालात की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को, कड़ू जरूर है, तख्त जरूर है, लेकिन बड़ा मायने खैज है, आपको संजीदगी से लीजिए, ये वक्त हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप SW News चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।